नमस्ते। आप सबको ज्ञात है कि 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान जम्मू कश्मीर के अंदर दिया, और ये बलिदान उनका इसलिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय तो जब भारत के साथ हो चुका था, परंतु भारत का जो संविधान था पूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। ना ही भारत के ध्वज को वो सम्मान था और ना ही भारत के प्रधान को वो सम्मान प्राप्त था जो अन्य राज्यों के अंदर प्राप्त हुआ था। और इसी चीज़ को आधार बनाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघर्ष किया और परमिट राज जो जम्मू कश्मीर में लागू था उसका उल्लंघन कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश किए। और उन्हें ज्ञात था कि अगर ये कानून, ये काला कानून जिसे 370 और 35A के छुपा कर लाया गया है, तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को उससे हानि होने वाली थी, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हों, वो महिलाएं हों जम्मू कश्मीर की, उनके मानवाधिकार किस तरीके से हो सकते हैं और किस तरीके से गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज यहाँ उत्पीड़ित हो सकते हैं। और इन सभी बातों को ध्यान रखकर उन्होंने समझा उनकी पीड़ा को, और हमने जो भोगा है 370 और 35A के तहत इन 72 सालों के अंदर, उन्होंने अपनी दुर्दशता का परिचय देते हुए वो समझ लिया था। और आज वो दिन आया है कि आज उनकी ये पुण्यतिथि ऐसे टाइम पर हम बना रहे हैं कि वो 5 अगस्त 2019 जा चुका है, जिसके अंदर कि 370 और 35A निरस्त हो चुकी है भारत के संविधान से, और यहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ साथ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को, गोरखास को, सफाई कर्मचारी वाल्मीकिज़ को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को इंसाफ मिला है। और मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी देन है श्यामा जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, उनके बलिदान की। तो इस पुण्यतिथि पर मैं उन्हें शत शत नमन